हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक स्टेप्स ऑफ आरडीटी देख रहे थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो स्टेप्स हमने पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने डिजायर्ड जीन का आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन देखा था। सेकंड जो स्टेप देखी थी उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के वैक्टर्स देखे थे। वैक्टर्स के अंदर हमने प्लाज्मिड देखा, कॉस्मिड देखा, बैक्टीरियोफाज देखा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम यूज में लेने जा रहे हैं थर्ड जो स्टेप है अपना वो है आपका इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो अपना डिजायर्ड जीन है वो इंसर्ट करवाएंगे। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इन वेक्टर। देखो, जब अपन ने एंजाइम्स देख रहे थे इसके अंदर यूज आने वाले, उसके अंदर सबसे मेन एंजाइम अपन ने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये अपना वेक्टर हो गया। ठीक है, चाहे वो आप प्लाज्मिड देखो या फिर कॉस्मिड, ये अपना वेक्टर हो गया, ये अपना डिजायर्ड जीन है जिसको इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो इसको अपन इंसर्ट कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को, चाहे वो अपना वेक्टर हो या फिर अपना डिजायर्ड जीन, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करवाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब अपन सेम एंडोन्यूक्लियस होगा तो दोनों के दोनों के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, सेम होंगी। जब सेम होंगी तो दोनों को मर्ज करवाने में, लाइगेशन में अपन को प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम इजिली हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, कट करवा दिया अपन ने। कट करवाने के बाद में दोनों को क्या करवाएंगे, सेम लाइगेशन करवाएंगे, तो यहां पर दोनों को सेम लाइगेज एंजाइम से मर्ज करवाएंगे। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या करवाया, फर्स्ट स्टेप क्या थी अपनी, कट किया किससे, सेम आर न्यूक्लियेज से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप अपन ने क्या करवाया, इसका लाइगेशन। लाइगेशन में अपन ने क्या करवाया, लाइगेज एंजाइम से इसको ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, यहां पर अपन ने क्या लिया है, लाइगेजेज एंजाइम। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो अपने कुछ क्या है, जो मेन पॉइंट है। अब इस पूरी प्रोसेस के अंदर और अदर अपन क्या करवाते हैं, कुछ एंजाइम्स यूज में लेते हैं जो कि अपने इसी प्रोसेस के अंदर यूज आते हैं। वो अपने जो हैं एंजाइम्स, वो हैं अपने, फर्स्ट है कौन सा, जो सबसे मेन है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेस। ठीक है, सेकंड है अपना मेथाइलेजेस, ठीक है, थर्ड है अपना लाइगेजेस। ठीक है, देन फोर्थ जो एंजाइम है वो है अपना एल्केलाइन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेजेस, ठीक है, फिफ्थ है अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
सिक्स है टर्मिनल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये जो सिक्स एंजाइम्स हैं वो अपने वेक्टर के अंदर डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन देखें जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि अपनी क्या है फोर्थ स्टेप, इसको मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है। फोर्थ स्टेप है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन होस्ट सेल। अब क्या होगा कि जैसे ही अपन ने वेक्टर के थ्रू अपन ने क्या करवा दिया सेल्स के अंदर इंसर्ट करवा दिया, तो वो क्या करेगा मल्टीप्लीकेशन करेगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, इसके सबसे पहले अगर अपन देखें कि किसी भी डिजायर्ड जीन के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए वेक्टर को दो पैटर्न होते हैं, दो मेथड यूज में ले सकते हैं। जो पहला मेथड है अपना वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड है ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं दो मेथड के द्वारा किसी भी होस्ट सेल के अंदर वेक्टर को इंसर्ट करवा देते हैं। अब अपन इंसर्ट करवा दिया, इंसर्ट करवाने के बाद में इसके अंदर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के अंदर अब क्या होगा जिससे क्या होगा अपने जो डिजायर्ड जीन है उसकी क्या होगी बहुत ज़्यादा कॉपीज का होगा। अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि होस्ट सेल जो अपन ने बोला है कि जो सबसे ज़्यादा मोस्टली कॉमन जो होस्ट सेल अपन लेते हैं वो लेते हैं इकोलाई, ठीक है। इकोलाई सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली होस्ट सेल है, पहले भी बता चुके हैं सबसे ज्यादा यूज में इकोलाई आता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, अब अपन ने कर दिया मल्टीप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे क्या होंगे जीन सॉरी बहुत सारे कॉपीज बन गई अपने डिजायर्ड जीन की। अब उसके बाद में अपन को फिफ्थ जो आता है स्टेप जो अपन ने पहले बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि फर्स्ट के अब देखेंगे अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर सिलेक्शन करेंगे किसका होस्ट सेल का। अब कौन सी होस्ट सेल के अंदर अपना क्या है डिजायर्ड जीन मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट सेल के अंदर अपन क्या करेंगे कि कौन सी सेल के अंदर कौन सा डिजायर्ड जीन है, इसके अपन दो मेथड है, दो तरीके से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो पैटर्न है। कैसे कि इसके अंदर जब अपन ने सेल्स के अंदर वेक्टर के देखा था, ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने बताया था एक साइट होती है जिसको अपन बोलते हैं मार्कर साइट। क्या कौन सी थी मार्कर साइट, मार्कर साइट। ये मार्कर साइट में क्या होता है कि एक स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है ये डेवलप करता है जिसकी वजह से अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस होस्ट सेल के अंदर अपनी जो डिजायर्ड जीन है वो प्रेजेंट है। अब इसका एग्जांपल अगर अपन देखें जो सबसे पहले आपके बुक के अंदर दे रखा है ब्लैक जेड जीन, ठीक है। ये ब्लैक जेड जीन क्या करता क्या है ये डेवलप करता है कौन सा एक बीटा गैलेक्टोसाइडीज है, ठीक है, बीटा बीटा गैलेक्टोसाइडीज ये एंजाइम है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब ये जीन जिस अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा वो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या करेगा बीटा गैलेक्टीज को क्या करेगा सॉरी बीटा गैलेक्टोसाइडीज को डेवलप करेगा जिसकी वजह से अपन को क्या होगा इजीली होगा उस होस्ट सेल को आइडेंटिफाई करने में।
नेक्स्ट जो पैटर्न है वो होता है एक टाइप का, एक और जीन होता है वो होता है रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर जीन के अंदर जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये अपन पहले देखें एग्जाम्पल से पहले कि रिपोर्टर जीन करता क्या है। रिपोर्टर जीन क्या करता है, एक स्पेशल कैरेक्टर डेवलप करवाता है सेल्स का, ठीक है। ये मार्कर साइट तो क्या करती है, कोई भी एक पैटर्न या फिर कोई चीज़ डेवलप कर रही है, ठीक है, कोई भी आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन रिपोर्टर जीन एक नया कैरेक्टर डेवलप करता है जिसके अंदर सबसे पहले जो एग्जाम्पल अपन देखें LUC जीन, ठीक है। LUC जीन इसका फुल नेम अगर अपन देखें, ये करता क्या है, जो इसका डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक ल्यूसीफ्रेज एंजाइम को डेवलप करता है। ल्यूसीफ्रेजेस एंजाइम को ये क्या करता है, डेवलप करवाता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ल्यूसीफ्रेजेस क्या करेगा कि ये होता क्या है, ये अपने प्रेजेंट होता है, एक एनिमल है जिसको अपन बोलते हैं फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जो एनिमल है, फायरफ्लाई कौन सा, जुगनू, जुगनू को बोलते हैं, जो कि क्या करता है नाइट के अंदर बहुत ही शाइनिंग मारता है, एक बल्ब की तरह क्या करता है, चमकता है। तो उसके अंदर भी क्या होता है, ये जीन प्रेजेंट होता है और ल्यूसीफ्रेजेस उसके अंदर एंजाइम डेवलप होता है जिसकी वजह से क्या करता है, वो चमकता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कौन सा कैरेक्टर बोलते हैं, बायो ल्यूमिनेसेंस, जो कि क्या बोलते हैं, डेवलप करवाता है, एक चमकदार शाइनिंग देता है, ठीक है। तो जींस के अंदर रिपोर्टर जीन होंगे तो वो क्या होंगे, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेंस होंगे, ठीक है, शाइनिंग करेंगे, तो अपन उसको इजीली आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए अपना आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिस होस्ट सेल के अंदर अपना डिजायर्ड जीन था वो अपन क्या करेंगे, उससे सेपरेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो होगा, जो स्टेप है, जो कि अपनी लास्ट स्टेप है, ठीक है बेटा, लास्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, उस जीन का एक्सप्रेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। अब एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर्ड जीन का मीन्स क्या होगा कि जो अपना डिजायर्ड जीन है अपन ने एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसको अपन किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। होस्ट सेल का मीन्स आपके चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अपन ने उसके अंदर इंसर्ट करवा दिया, इंसर्ट करवाने से क्या होगा, उस जो डिजायर अपना होस्ट सेल थी उसके अंदर वो कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डेवलप होंगे, ठीक है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन ने इसके अंदर होस्ट सेल अपन ने क्या ली, इकोलाई ली, ठीक है। इकोलाई के अंदर अपन ने इंसर्ट करवा दिया, इकोलाइट से अपन ने जो स्पेशल कैरेक्टर डेवलप करवाना था वो करवाया, तो इसके अंदर क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ। इंसुलिन का प्रोडक्शन अपने क्या होता है, इसी मेथड से RDT से ही डेवलप हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, डायबिटीज़ है, उसके अंदर क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, तो जो इंसुलिन डेवलप करवाया जाता है वो इसी RDT के थ्रू इकोलाई से डेवलप करवाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और नेम आता है, अगर ये जो डिजायर्ड जीन है अपना वो अगर अपन ने प्लांट के अंदर इंसर्ट करवाया है या फिर एनिमल के अंदर इंसर्ट करवाया है, तो उन प्लांट या एनिमल को जो नेम दिया जाता है वो अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर एनिमल, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से होंगे, जिनके अंदर अपन ने क्या किया है, दोज प्लांट या दोज एनिमल्स इन विच इंसर्ट ए डिजायर्ड या फॉरेन DNA, ठीक है, फॉरेन DNA
अपन ने इंसर्ट करवाया किसी प्लांट या एनिमल के अंदर, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है बेटा, यहाँ पर आज अपनी क्लास के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड हो रही है। अपने इसके अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने स्टेप्स देखे थे, ये अपने फाइनल स्टेप्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे। तब तक के लिए अपन थैंक यू।